नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंदौर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर के पास ग्राम पिकडंबर में 6 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि घर के ही लोगों ने 6 साल के मासूम का अपहरण किया। अपहरण कर 4 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मामला गर्माता देख आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने 3 घंटों में ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में हुआ खुलासा, अपहरण कर हत्या करने वाले घर के ही बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि 6 साल के मासूम की हत्या कर दी। घर के ही लोगों ने 6 साल के मासूम का अपहरण किया था, और जैसे ही पता चला कि पुलिस उनके पीछे लगी हुई है, और इस दौरान उन्होंने बच्चे की हत्या कर दी। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित फोन लाइन पर जुड़ गए। अंकित, इंदौर से बड़ी खबर दिखा रहे हैं जो रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली सामने आई है, जहां पर एक 6 साल के मासूम का अपहरण कर बच्चे की हत्या कर दी। पूरा मामला बताएं विस्तार से। आपको बताना चाहूंगा कि ये पिकडंबर नामक एक ग्राम हैगा, वहाँ की ये पूरी घटना हैगी, जहाँ पर 6 साल के मासूम बच्चे की अपहरण कर लिया गया था, जिसमें फिरौती के लिए 4 करोड़ रुपए मांगे गए थे जी। फिरौती की बात जब पुलिस तक पहुंची, आम लोगों तक पहुंची, तो ये पूरा मामला पूरा गर्मा गया, जिसको लेकर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधियों की छानबीन चालू कर दी। सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके आधार पर आरोपियों को ट्रेस कर लिया गया। ट्रेस करने की जब खबर आरोपियों को लगी, तो वो हड़बड़ाहट में जो 6 साल का मासूम हैगा उसकी हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना कल रात की है, और आज सुबह ही पिकडंबर के पास इसका बालक का 6 साल के बालक का शव मिला हैगा जी। काजल, अंकित, जैसे कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी अब आगे? ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता है, जिनका कहना हैगा कि अपहरण के साथ में हत्या, ये दोनों ही धाराओं में इन दोनों आरोपियों के ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा। साथ ही इनके पूर्व रिकॉर्ड भी चेक किए जाएंगे कि ये पूर्व में भी कहीं घटना कर तो नहीं चुके हैं, और अगर ऐसा पूरा मामला आता है तो इनके साथ में हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। जी काजल, बिल्कुल अंकित, देखने वाली बात होगी कि इन आरोपियों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए।